नमस्कार, किचन एडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कच्चे आलू से बनने वाला एक नाश्ता लेकर आई हूँ, जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, और साथ में है चटपटी सी हरी चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इन्हें मैंने पहले से ही अच्छी तरह से धोकर रख लिया था, अब इन्हें हम छील लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी आलूओं को छील लेने के बाद धोकर रख लिया है, अब इन्हें हम कद्दूकस करेंगे। मैं यहाँ पर बड़े वाले ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज जो हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं ना, इसके लिए लच्छे हमें थोड़े बड़े वाले चाहिए। आलूओं को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में ग्रेट करें, ऐसा करने से इनके लच्छे लंबे और एक समान निकलते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। एक बड़े बाउल में मैंने पानी ले लिया है, अब कद्दूकस किए हुए आलू के लच्छों को धो लेंगे। पानी का कलर काफ़ी मटमैला है, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, तो इन्हें हम 5 से 6 बार अच्छी तरह से धो लेंगे, जब तक कि पानी का कलर साफ ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि इसमें से स्टार्च पूरी तरह से निकल जाए, जिससे कि जब हम इससे पकौड़े या कोई भी नाश्ता बनाएं तो वो बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरे बने। देखिए, पानी हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसमें से सारे स्टार्च निकल गया है। अब इन लच्छों को हम एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेंगे। इन्हें लगभग हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और तब तक हम एक चटपटी सी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार लिया है। इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती, थोड़े से फ्रेश पुदीना की पत्ती, 2 चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ फ्रेश नारियल, 1 चम्मच रोस्टेड चना, 1 चम्मच रोस्टेड मूंगफली, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा, 1/4 चम्मच जीरा, 2 चम्मच दही, 1/2 नींबू का रस, और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और ये लीजिए, तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल वाली चटपटी सी हरी चटनी। अभी भी इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो हम दोनों हाथों से दबाकर इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे। कद्दूकस किए हुए इन लच्छों से आज हम बहुत ही मज़ेदार पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। कद्दूकस किए हुए इन आलूओं से आज हम तैयार करने वाले हैं एक मज़ेदार सा पकौड़ा। और इस पकौड़े की खासियत यह है कि यह बहुत ही कम मसालों के साथ और फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे और इसमें ये आलू के लच्छे डाल देंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर। मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा। कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी को लच्छों के साथ कोटिंग करते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए, नमक डालते ही आलूओं ने अपना मॉइस्चर रिलीज करना शुरू कर दिया है, और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्टील की कटोरी लिया है, जिससे कि सभी पकौड़े हमारे एक ही साइज़ के बने। अब इन लच्छों को हल्के हाथों से दबाते हुए बाइंड कर देंगे, और इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया होगा वो निकल जाएगा। देखिए, मैंने इसे शेप दे दिया है और ये अच्छे तरह से बाइंड हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेंगे, उसके बाद इन्हें हम तलेंगे। मैंने यहाँ पर सारे बॉल्स बना लिए हैं, अब तेल गर्म कर लेते हैं। तेल को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और इस समय गैस का फ्लेम हाई पर है। अभी हम धीरे धीरे इसमें बॉल डाल देंगे। सारे बॉल्स डाल लेने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे, और अभी इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सेट हो जाए, तभी हम इनका साइड चेंज करेंगे। तो देखिए, पकौड़े अब हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, और इनमें बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब इन्हें हम तेल में से बाहर निकाल कर थोड़ी देर के लिए टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे, फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी नज़दीक से दिखा रही हूँ, इन पकौड़ों का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये अच्छी तरह से टर्न हो जा रहे हैं। तो अब धीरे से हम इन सभी पकौड़ों का साइड चेंज कर देंगे। तो जब पकौड़े इस तरह से सेट हो जाए ना, तभी आप इनका साइड चेंज करें, क्योंकि यदि आप इससे पहले इन्हें पलटने की कोशिश करेंगे तो ये पकौड़े तेल में बिखरने लगेंगे। इन पकौड़ों को यदि आप फ्रोज़न करके स्टोर करना चाहें, तो इस स्टेज पर आप इन्हें तेल में से बाहर निकाल लें। देखिए, इनका कलर अभी हल्का सा सुनहरा हो गया है। अब इन्हें तेल में से बाहर निकाल कर ठंडा कर लें, और किसी एयर टाइट
कंटेनर में रखकर डीप फ्रीज में आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर मेरे बताए तरीके से आलू लच्छा पकौड़े और चटपटी सी हरी चटनी को जरूर ट्राई करें, यह आप सभी को बेहद पसंद आने वाली है। साथ ही यदि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।